ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘਣੀ। आदरणीय दोस्तों, आज चंडीगढ़ में सचिवालय के सामने मुख्यमंत्री हाउस के पास पूरे हरियाणा भर के ग्रुप डी में चयनित उम्मीदवार इकट्ठे हुए, जिनको ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई। 1976 के लगभग ऐसे उम्मीदवार हैं जिसके हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी में जो मेरिट में आए, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। आज उनका एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में गया और वहाँ पर जो अधिकारी से उनको मांग पत्र सौंपा, लेकिन अधिकारी का रुख कोई सकारात्मक नहीं था। उन्होंने हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, जबकि हमारा अधिकार बनता है, हम मेरिट में आए हैं, हमें अदालत में ज्वाइन करवाना चाहिए। इसलिए आज हमने यहाँ पर ग्रुप डी चयनित उम्मीदवार संघ के नाम से संगठन बनाने का निर्णय लिया है और कल जींद के नेहरू पार्क में, जो कि रानी घाट के पास है, हम 11 बजे इकट्ठा होंगे। सभी चयनित उम्मीदवारों और हरियाणा के नागरिकों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 11 बजे रानी घाट के पास नेहरू पार्क में पहुंचे, वहां सम्मेलन करेंगे और वहां पर चुनाव लड़ रही सभी पार्टियों के नेताओं को ज्ञापन देंगे और डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। हमारी हरियाणा सरकार से विनम्र अपील है कि हम किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते। हमारी एक प्रार्थना है कि हमें ज्वाइन करवाया जाए, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, हमने पेपर पास किया, अमेरिक में आते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएं और स्टेशन दिए जाएं। और सभी चयनित उम्मीदवारों से हमारी अपील है कि कल वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ठीक 11 बजे कल 25 जनवरी को 11 बजे नेहरू पार्क रानी घाट के पास जींद में पहुँचे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।